बैक टू माई चैनल बी ऑसम टी एल एफ। तो आज मैं आ चुकी हूँ सेक्टर 8B और शॉप का नाम है गेट डिजर्टेड, क्योंकि ना आज मेरा कुछ मीठा खाने का मन था। तो मैंने कहा यार इनकी ना स्पेशल इन्होंने कुछ रिलीज करी है आइटम्स, तो वो हम लोग ट्राई करने वाले हैं। एंड आई विल टेल यू कि भाई वर्थ इट है कि नहीं, तो पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इनका जो मेन्यू है ना वो काफी ज्यादा वास्ट है, जैसे कि और रेट्स बहुत रीजनेबल लगे मुझे। जैसे कि यू गाइस कैन सी दे हैव देयर सिग्नेचर वॉफल्स व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम 180 एंड देन दे हैव क्लासिक अमेरिकानो व्हिच इज लाइक, सो एक जो वॉफल है उसको वन पीस और टू पीस में डिवाइड कर सकते हो, तो 50 रुपीज से स्टार्ट है व्हिच इज क्वाइट अ डिसेंट प्राइस। उसके साथ ही दे हैव आइसक्रीम्स, देन दे हैव संडेज और देन दे हैव रिसेंटली लॉन्च्ड देयर ब्रूकी कुकी। सो ब्रूकी कुकी क्या है वो मैं आपको ट्राई करके बताऊंगी कि ये इनकी नई डिश इन्होंने लॉन्च की है भाई अच्छी है कि नहीं है। और साथ ही दे हैव ब्राउनीज, देन दे हैव शेक्स एंड मिनी पैनकेक्स जो कि आप चूज कर सकते हो फ्रॉम 6 पीस टू 12 पीस और रेट स्टार्ट हो जाता है 60 रुपीज से। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि रेट्स काफी रीजनेबल है और क्वांटिटी जो है जो लिखी हुई है वो अच्छी लिख रही है। अब कैसी आती है हमारे पास वो हम आपको बताएंगे। सो आई एम जस्ट वेटिंग टिल द टाइम इट इज गेटिंग प्रिपेयर्ड। सो गाइज अब मैं ट्राई करने वाली हूँ इनका न्यू अराइवल विच इज कुकी एंड क्रीम वॉफल। सो यू गाइज कैन सी लाइक क्रीम और साथ में चॉकलेट एंड वॉफल। वॉफल्स आई लव वॉफल्स, मतलब पूछो मत। पहले ना बॉम्बे में मैकडी में सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे वॉफल मिला करते थे, सो आई ऑलवेज यूज टू हैव इट, बट वो बंद हो गए अब नहीं मिलते। बट लेट्स ट्राई देयर वॉफल। माई गॉड वेरी क्रंची और गरम गरम वॉफल खाने का हो और साथ में हो शुगर फ्री ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी शुगर फ्री होती है बट आई ऑलवेज पुट शुगर इन इट। तो गुड, दुनिया देखती है आपको जब खाते हो, आप जो ब्लॉग शूट करते हो, बहुत मेहनत का काम है। आई वुड से बहुत ही अच्छा क्रंची, काफ़ी क्रंची है। जो उन्होंने क्रीम डाली है उस वो थोड़ा थोड़ा कोकोनट का उसमें फ्लेवर आ रहा है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है और चॉकलेट के साथ बहुत अच्छे से बैलेंस है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही मीठा है जिसकी वजह से ना यू नो गले में लगता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और कोकोनट की वजह से जो फ्लेवरिंग आ रही है ना वो और भी इसको अमेजिंग बनाती है टेस्ट में। सो दिस इज देयर स्पेशल वॉफल कुकी एंड क्रीम जिसको मैंने वन पीस लिया है, तो इट हैज़ कॉस्टेड मी अराउंड 60 रुपीज एंड द टेस्ट इज जस्ट सो अमेजिंग। सो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस। अब हम ट्राई करेंगे इनका ब्रूकी कुकी एंड बाकी डिशेज। सो लेट्स गो। सो गाइज ये है इनकी स्पेशल ब्रूकी कुकी। सो हम लोगों ने ऑर्डर करी है इनकी स्पेशल कुकी विद वेनिला एंड देर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, मतलब आप चॉकलेट वाली भी कर सकते हो, प्लेन भी कर सकते हो, मतलब यू कैन चूज। सो सबसे पहले तो जो प्रेजेंटेशन है इट लुक्स लाइक अ क्वीन, सो इट इज़ वेरी नाइस एंड प्रिटी। सो पहले तो वेनिला के साथ आई एम गोना, टूट गई कुकी मेरी। That is so yummy. Now I'm going to try it out with their cookie. So, so good. So refreshing. Okay. मतलब कुकी जो है वो बहुत ही यू नो
चॉकलेटी है एंड साथ में वनीला, जब यू नो एक मिक्स ऑफ चॉकलेट एंड वनीला बनता है एंड क्रंच, उसकी वजह से इट इज रियली रियली नाइस। एंड अगर मैं बात करूँ तो इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ फ्लेवर, क्योंकि एक यू नो एक कोल्ड चीज़ है और एक देन हॉट है, सो इट गिव्स अ वेरी गुड बैलेंस एंड बीच में जो क्रंच है उसकी वजह से इट इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट बैलेंस। सो मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी एंड आई वुड से दैट आई वुड गिव इट 5 out of 5, क्योंकि जो कुकी है ना उसके अंदर चॉकलेट भरा पड़ा है और साथ में मतलब इट गिव्स यू अ लिटिल बिट ऑफ अ ब्राउनी फ्लेवर, सो इट इज रियली यम्मी, सो यू मस्ट ट्राई दिस आउट, इट इज सो गुड। ये है मेरे पास इनके मिनी साइज पैनकेक्स, तो मैंने स्विस चॉकलेट पैनकेक ऑर्डर किया था जिसने 6 pieces ने कॉस्ट किया मुझे 80 rupees। आई एम गोना ट्राई इट आउट। पहली बार तो ये है ही बहुत क्यूट, आज मैंने इतना मीठा खा लिया ना, मुझे लग रहा है 2-3 हफ्ते तक शायद मेरी मीठे की छुट्टी है। एंड बेसिकली ये बहुत ही छोटे छोटे हैं, सो यू नो एक बाइट में आप खा सकते हैं, बट आई एम गोइंग टू ब्रेक इट एंड ईट इट। सो जो बहुत कम अच्छे पैनकेक्स मिलते हैं एंड आई वुड से दैट दिस इज रियली गुड। जो इसमें चॉकलेटी फ्लेवर है ना, और जो हल्का सा आई डोंट नो व्हाई वो जो कोकोनट का फ्लेवर आ रहा है बहुत प्रोमिनेंट है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो इफ़ यू आर अ पर्सन हु लव्स टू हैव स्वीट्स, और वैसे भी मतलब खाने के बाद भी स्वीट खाने आ सकते हो और मेरी तरह स्वीट टूथ है, सो यू मस्ट विजिट दिस प्लेस, गेट डिजर्टेड इन सेक्टर 8 बूथ नंबर 29। एंड बाकी चीज़ें ट्राई करके हमें भी बताना कि आपको कैसी लगी, और वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स, और यहाँ पे भी सब्सक्राइब कर लेना। देख रहे हो ज़्यादा शुगर इनटेक के बाद यू नो बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, बट इतना अच्छा हो तो आप ज़्यादा खा सकते हो।